नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी खबर। अगले 48 घंटे किसान भाइयों के लिए बेहद ही खास रहने वाले हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से एक चक्रवाती तूफान उठा है। इसकी वजह से 12 से 13 राज्यों में ताबड़तोड़ मूसलाधार बारिश के साथ भयंकर ओलावृष्टि होने वाली है। साथ ही तेज रफ्तार से तेज अंधड़ चलने वाला है, जिसकी रफ्तार भी दोस्तों लगभग 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे बताई गई है। तो कौन कौन से राज्यों में भारी बारिश होगी, कहां पर ओलावृष्टि होगी और कहां पर तेज अंधड़ आंधी चलेगी, मौसम विभाग के द्वारा अभी इसकी नई लिस्ट जारी कर दी है। गर्मी के बाद इस साल प्री मानसून सीजन ने भी देश भर में समय पूर्व दस्तक दे दी है। मार्च के दूसरे पखवाड़े के बजाय पहले पखवाड़े में ही प्री मानसून की जो गतिविधियाँ हैं वो शुरू हो गई हैं। 6 से 8 मार्च के दौरान बेमौसम बारिश हुई थी, जिसने राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वहीं दोस्तों बता दें कि अब सोमवार से और शनिवार के बीच एक बार फिर मौसम बिगड़ने के संकेत हैं। इस दौरान विभिन्न हिस्सों में बारिश, आंधी, ओले और यहां तक कि बिजली गिरने की जो घटनाएं हैं वो भी संभावित बताई गई हैं। इससे कई राज्यों की फसलों पर भी संकट के जो बादल हैं वो मंडरा रहे हैं। साथियों बता दें कि आप यहां पर देख सकते हैं किसान भाई किस प्रकार से जो उनकी फसलें हैं वो दोस्तों खेतों में पड़ी हुई हैं। अभी दोस्तों कुटी भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब तक फसल कट पिट कर घर नहीं जाती है तब तक किसान को चिंता ही रहती है। अब मैं आपको बता दूं कि अगले 5 दिनों में दोस्तों कहां कहां पर इस चक्रवाती तूफान का प्रभाव रहने वाला है। मैदानी इलाकों दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक पर इसका खासा प्रभाव पड़ने वाला है। वहीं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी दोस्तों अगले 48 घंटे में ओले गिरने का पूर्व अनुमान जताया गया है। साथियों बता दें कि जो प्री मानसून है उसकी गतिविधियां जल्द ही शुरू हो गई हैं। स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पालावत का कहना है कि इस साल प्री मानसून की जो गतिविधियां हैं वो जल्दी ही शुरू हो गई हैं। आमतौर पर इसकी जो गतिविधियाँ हैं मार्च मध्य के बाद में शुरू होती हैं, लेकिन अब दोस्तों बेमौसम लगातार बारिश व ओलावृष्टि का सामना किसान भाइयों को करना पड़ेगा। मौसम से जुड़ी सभी राज्यों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि देश का एकमात्र चैनल है जिस पर मौसम से जुड़ी सभी राज्यों की बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी दी जाती है। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं आप हमारी वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।